नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनको किस प्रकार से अप्रोच किया जाना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं ये जो क्वेश्चन है वो पिछले पाँच साल में रिपीट हो चुके हैं मैं किसी भी मैं किसी भी प्रकार की अनएथिकल मेथड्स का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता और मुंबई यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन पास पेपर से रिपीट होते हैं तो ये क्वेश्चन वही है मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही पढ़ के जाओ आप पास हो जाओगे मैं ये कह रहा हूं आप जो रेगुलर स्टडी करते हैं उसमें इन क्वेश्चन को भी स्टडी करिए ताकि आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का डिस्कस द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूबल प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ पोजिशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इसके ऊपर आपको बारह मार्क्स का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट निकल कर आ सकता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सिलेबस में इसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है लिक्विडेटेड डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसके ऊपर एक पांच मार्क्स का शॉर्ट नोट रिसेंटली निकल कर आया था तो इसे पढ़ना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री इसके ऊपर आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इसके ऊपर पांच मार्क्स का शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इसके ऊपर भी आपको पांच मार्क्स का शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेरेटरी डिग्री इसके ऊपर आपको पांच मार्क्स का शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है और सातवा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ इंजंक्शन टाइप्स डैमेजेस एंड कंडीशन टू ग्रांट इंजंक्शन मेरे चैनल की तरफ से आपको यह सजेशन रहेगा कि आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन सेवन को मिला है आपके सिलेबस के अनुसार तो पहला क्वेश्चन और सातवा क्वेश्चन इनको डिटेल में स्टडी करिए ताकि आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी मेरा यह कहना है कि आप जो भी रेगुलर स्टडी करते हो इसके अलावा इन क्वेश्चन को भी स्टडी करिए ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल